सर्दियों में हमारी त्वचा को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है क्योंकि शुष्क हवाएं चलने से हमारी त्वचा रूखी होने के साथ फटने लगती है, हमारी त्वचा नमी होने लगती है और इस वजह से त्वचा में खिंचाव होता है और ड्राइनेस हो जाती है, कई बार हमारी त्वचा से खून भी निकल जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में त्वचा को ड्राइनेस से कैसे बचाएं। ठंड में सूखी हवा चलने की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और शरीर से पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे बाहरी ही नहीं अंदरूनी नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए इस मौसम में बॉडी और त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी के साथ आप दूसरे तरह के लिक्विड्स भी लें, डाइट सही रखें। सर्दी में कई तरह के फल और हरी सब्जियां मिलती हैं जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मौसमी फलों और सब्जियों का भरपूर सेवन करें। इसके अलावा सूप, सलाद, जूस और दूध को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। सर्दियों में पीने से लेकर नहाने तक के लिए गुनगुना पानी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ध्यान रहे, यहाँ बात गुनगुने पानी की हो रही है, गर्म पानी की नहीं, क्योंकि गर्म पानी त्वचा को जल्दी ड्राई कर देता है और अगर आप इसे तुरंत मॉइस्चराइज ना करें तो बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। इसलिए गुनगुने पानी से नहाने के तुरंत बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए क्रीम या नारियल तेल का इस्तेमाल कीजिए। एक्सफोलिएट जरूर करें। समय समय पर त्वचा को एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन की समस्या दूर हो जाती है, इसलिए इस मौसम में हफ्ते में एक बार जरूर अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हल्के पानी से एक्सफोलिएट करें। कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन के लिए हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन काफी होगा। बहुत ज्यादा देर तक ना नहाएं। सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाने का अलग ही मजा होता है, जिसके चलते लोगों को समय का ध्यान नहीं रहता। तो इस मौसम में 5 से 10 मिनट गुनगुने पानी से नहाना काफी है।